आज सीधी संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी रीति पाठक जन आशीर्वाद यात्रा में ग्राम देवगांव में जनसभा को संबोधित की और कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और माननीय सांसद द्वारा सदस्यता ग्रहण की। विद्यार्थी प्रसाद पटेल, बेजनाथ साहू राम, सहोदर विश्वकर्मा, हिंचलाल पटेल, लोकमान्य साहू, राकेश पटेल, अवध पटेल, संतोष पटेल, गणेश पटेल, इस तरह से कई लोग शामिल हुए। यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ जन, सभी हमारे युवा बंधुगण, मेरी प्रिय बहने, सभी बेटियां और बेटे, लोकसभा का चुनाव है और इस चुनाव के दौरान जनता जनार्दन के मन में एक बात आती है कि अरे चुनाव आ गया, वोट लेना पड़ेगा, नेता आ गए, भाषण देंगे, हमको अपना काम छोड़कर यहाँ आकर उनको सुनना पड़ रहा है। लेकिन मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहती हूँ, चुनाव तो बहुत देखा आपने, बहुत चुनाव करवाए आपने, पर ये जो चुनाव है ये मोदी का चुनाव है, ये हमारे देश के उस गौरव को बचाने का चुनाव है, जिस गौरव को बचाने के लिए देश में अनेकों अनेक शहीदों ने अपनी जानों की कुर्बानी दी, चाहे हमारे सीमा पर तैनात हमारे जिबीर जवान हों जो किसी न किसी हमले में अपने प्राणों की बल देते हैं, चाहे हमारे इतिहास में उन नामों को लिए जाने वाला नाम हो जो कई नामों के साथ कई माओं ने अपनी लाल को खोया है इस भारत के उस देश की गौरव को बचाने के लिए। लेकिन आज हमें सौभाग्य मिला है कि हम भी देश के गौरव को बचाने में अपना योगदान दें, और ये योगदान देने के लिए सीने पर जाकर आपको लड़ाई नहीं करनी है, आपको गोली नहीं खानी, आपको यहीं से अपने पोलिंग बूथ से 29 तारीख को कमल के फूल पर से प्रसिद्ध बटन दबाना है। ये एक राजनीतिक भाषण भी नहीं, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है देश के उस ईमानदार व्यक्ति की जिसके ऊपर 5 साल में 1 भी रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप ना लगा हो, और इस बात को आप भी मानते हैं, आप भी कबूल करते हैं, और मैं उसी एक टीम की एक सदस्य हूँ जिसे आपने पिछले 5 साल में काम करने का अवसर प्रदान किया, और मुझे भी गर्व है कि ऐसे भारतीय जनता पार्टी के परिवार के दल में मैं काम करती हूँ जिसका नेतृत्व करता नरेंद्र मोदी, जिसको आज सहज ही हर दल के लोग प्रेम करते हैं, मानते हैं, और इस बात को वो स्वीकार कर रहे हैं कि देश को बचाना है तो नरेंद्र मोदी को झुकाना है।